Yo, what's up guys? कैसे आप सभी लोग? Welcome back to another gameplay video. तो guys यार, आज हम लोग खेलने जा रहे हैं Junkyard Simulator. और इस वैसे एक सेकेंड, ये भाई सब्जी कहाँ पर जा रहे हैं? सारे बाल एकदम तमीज में बैठे हुए, इसको इन सज्जन को क्या तकलीफ हो रही है? एक मिनट रुक जाओ. तू बाकी बालों के साथ बैठ जाना भाई, यहाँ पे चुपचाप से. ओ, काम कर रही है. हाँ तो गाइस, एक सेकेंड, इसकी भैंस की टांगे फिर ऊपर आ गया. ये नहीं सुधरेगा भाई, ये नहीं इसकी ऐसी. हाँ तो गाइस, इस गेम में हमें जंकयार्ड जाना है और वहां से कोई भी टूटा फूटा सामान लेकर आना है, जैसे कि टूटा हुआ फ्रिज हो गया, टूटी हुई वॉशिंग मशीन हो गई, या फिर टूटी हुई बुगाटी या लंबोर्गिनी भी हो सकती है. नहीं, वैसे कुछ ज्यादा ही हो रहा है. तो हाँ, जो भी चीज इंपोर्टेंट है हमें उसे लेकर आना है, और उसको हम लोग चाहे तो उसमें से इंपोर्टेंट सामान निकाल कर बेच सकते हैं, या फिर हम लोग उसे रिपेयर करके, मीन्स रेनोवेट करके भी बेच सकते हैं, और हमें यही करके अंधा पैसा कमाना है. तो ओके गाइस, एक और सुहाना सा दिन मैं सोकर उठ चुका हूँ, और मैं शायद से अपने घर में हूँ. ये ओ नहीं नहीं नहीं, ये मेरा घर नहीं हो सकता भाई, इतनी ज्यादा घटिया जगह, चारों तरफ गंद मचा पड़ा है एकदम ही. ओके, अभी फिलहाल शायद किसी का कॉल आया है. वैसे गाइस, आज ना मैं ट्रेनिंग पर हूँ, अभी जंकयार्ड का काम हमें पहले सीखना है थोड़ा सा. ओके, हेलो जॉनी, जॉनी नाम है मेरा इस गेम में. योर फर्स्ट टास्क विल बी टू फाइंड सम नेसेसरी टूल्स. Okay. Start with your junk man interface. ठीक है, तो अभी ना गाइस, स्टार्टिंग में जो जो इम्पोर्टेंट टूल्स हमें चाहिए होंगे वो मुझे सबसे पहले शायद ढूंढने हैं. वैसे ये जो बंदा मेरे से बात कर रहा है, या तो ये मेरा पार्टनर है, बट शायद आज वो आया नहीं है, आज हमें काम खुद अकेले करना पड़ेगा. यहाँ पर काफी सारी बढ़िया बढ़िया कार्स तो खड़ी है. मैं सोच कर रहा हूँ लंबोर्गिनी वगैरह मिल जाए तो बढ़िया रहेगा, बट नहीं यार, उसमें जरूरी नहीं है कार्स, हमें पैसा कमाने से मतलब है. तो जो भी चीज हमें मिलती है, जैसे कुछ भी हो सकता है, मतलब यहाँ पर ये एक टूटी हुई लकड़ी भी हो सकती है, उसे मैं रिपेयर करके एकदम बढ़िया सा बना के बेचना है. फिलहाल अभी मेरे को सीधा सामने जाना है, यहाँ पर एक मैप है जिससे मुझे पूरी के पूरे एरिया के बारे में मालूम पड़ जाएगा. तो ये देखो भाई, कितनी ज्यादा बड़ी जगह है ये, मतलब यार यहाँ पर काफी सारी और भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनके जंकयार्ड यहाँ पर है. बट कोई नहीं, हमारा जंकयार्ड सबसे तगड़ा होगा, हम ही सबसे ज्यादा पैसा छापेंगे, टेंशन मत ले तू. हाँ तो गाइस, ये कह रहा है कि हमारा काफी टाइम से प्लान था कि हम लोग इस जंकयार्ड को ना साफ करेंगे, और हमें टाइम नहीं मिला, बट अभी ये काम तुम्हें अकेले करना पड़ेगा. पता नहीं यार, एक ऐसा पार्टनर है, छुट्टियों पे बैठा हुआ है. वैसे यार यहाँ पर काफी सारी कार्स है, अभी मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं इसे तोड़ के बेचूं, या फिर ऐसी कबाड़ की कबाड़ ही बेचूं, या फिर इसे रिपेयर करके बेचूं. तो चलो गाइस, अभी ना फटाफट से मैं सारा काम निपटा देता हूं, क्योंकि अभी मुझे एक मस्त गेम खेलने के लिए जाना है. दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय क्रैश बैंडिकूट ऑन द रन. इसका सीजन 2 आ चुका है, जो कि सीजन 1 से काफी ज्यादा डिफरेंट है. इसमें न्यू मैप, न्यू स्किन और न्यू बॉस आ चुके हैं. लास्ट टाइम तो उस मॉन्स्टर को मैंने बहुत गंदा मारा था, बट इस बार जो मॉन्स्टर आया उतना ज्यादा डेंजरस नहीं है, उल्टा ये तो मुझे क्रैश की गर्लफ्रेंड लग रही है, और हमें इसे मारना भी है. कहीं इस गेम का नाम क्रैश बैंडिकूट की जगह कहीं बंदीकूट तो नहीं है? खैर छोड़ो, फिलहाल मैं थोड़ी सी ना प्रैक्टिस कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने अपने भाई के साथ टीम में आके कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया है. इस बार तो कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं इसको बहुत गंदा कूटने वाला हूँ. लेट्स गो भाई. सामने आते ही मुझे यहाँ पे ग्रेप्स मिल गए हैं, और लगे हाथी मैं इसको फेंक देता हूँ नाइट्रो पे, अभी बढ़ जाएगी स्पीड. भाई ये टेम्पल मैप कितना ज्यादा डेंजरस है, मुड़ते ही जा रहा है पूरा. ओके, अभी फिलहाल मैं मॉन्स्टर तक पहुंच चुका हूँ. वैसे यार वो क्रैश की गर्लफ्रेंड थी, बट अभी हमें उसे मारना पड़ेगा यार, क्योंकि गेम का नाम ही बंदीकूट है. ओके, एक अटैक दिया, और ये दिया मैंने इसके मुंह पे दूसरा अटैक, और इसी के साथ मैंने कर दिया इसका गेम खत्म. अभी इसको गंदे वाला मैं मारने वाला हूँ. तो जाओ गाइस, आप लोग भी इस गेम को डाउनलोड करो, टीम बनाओ, दोस्तों के साथ खेलो, एकदम फ्री है भाई, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. फिलहाल सबसे पहले मुझे क्रशर पे जाना है. क्रशर मेरे हिसाब से तो यही क्रशर मेरे को लग रहा है, इतनी बड़ी मशीन है. ओके, तो यही है स्मॉल क्रशर. अच्छा, ये टॉय है, वाओ इतनी ज्यादा खतरनाक मशीन. हाँ ये काफी बढ़िया टॉय है, मजा आने वाला है इसके साथ काम करने में. तो अभी मुझे क्या करना है, एक्टिवेट अनलोडिंग पैनल. ओके, तो शायद से ना गाइस, इस गाड़ी का जो इंजन है ना, मुझे ये बाहर निकालना है क्या? हाँ, अनलोडिंग पैनल तो इसीलिए यूज होगा वैसे, तो यही लग रहा है मेरे को अनलोडिंग पैनल, बट इसको मैं मूव. ओके, तो मुझे पहले अपनी गाड़ी को शायद उधर भेजना है इसके थ्रू. ठीक है, तो यहाँ से भी मैं इसको यूज करता हूँ, और मुझे अपनी गाड़ी को सीधा इंजन रिमूवल स्टेशन पे भेजना है. ये गई गाड़ी वहाँ पे, लेट्स गो. अभी गाड़ी वहाँ जा चुकी है, मुझे इस गाड़ी का ना पहले इंजन निकालना है, फिर उसके बाद शायद से इस गाड़ी को मैं इस मशीन में डाल के क्रश करके इसके एकदम चूरा कर देना है, फिर इसको लोहे के भाव बेच देना है. काफ़ी मजा आने वाला है, लेट्स गो. अभी मैंने इंजन लटका तो दिया इससे. ओ भाई, मुझे ताकत लगानी पड़ेगी इसे निकालने के लिए. बाहर आती है ऐसे की तैसी, ऐसे कैसे नहीं बाहर आएगा. ओ भाई, पूरी गाड़ी धीरे धीरे ऊपर आ चुकी थी, और फाइनली इंजन बाहर आ चुका है. और अभी इस इंजन को मुझे यहाँ से हटाना पड़ेगा ना, एक मिनट में से. ओ ओ भाई,
ये मेरे हाथ में ही आ गया तो उसकी जरूरत क्या थी, ये तो मैं वहीं से निकाल के ले आता, शायद ना रिमूविंग के लिए वो चाहिए था। और अभी हमें इस इंजन को यहाँ पे, ओ नहीं 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 प्लीज नीचे नहीं, नीचे नहीं, मुझे इस इंजन को यहाँ पर लगाना है। लेट्स गो, इस इंजन को ना गाइस हम लोग रिपेयर करके बेचेंगे। गाड़ी तो खैर मतलब इसमें तो पैसा खराब करने वाली बात है, बट इंजन को रिपेयर करेंगे तो अच्छा खासा पैसा हमें मिलेगा। फिलहाल अब अपनी गाड़ी को हम लोग ना पहले वहां से लाते हैं वापस। और कॉल आया, I'm not sure if you've ever worked on it, but either way, you'll learn. Okay, हाँ, मैं सीख रहा हूँ, मुझे सब पता है, ठीक है। वापस कॉल मत करियो, गुद्दी पे रैप्टर कर देंगे, सही बता रहा हूँ इस बारे। तो अभी मुझे गाइस ये वाली जो भाई ये कितना डेंजरस सा क्रशर है भाई। वैसे गाइस ये क्रशर नहीं है मेरे हिसाब से, एक बार ट्राई करता हूँ, इससे गाड़ी टूट जाएगी मेरे हिसाब से, ऐसे टूटनी तो नहीं चाहिए। एक मिनट रुक जाओ, ट्राई करते, चल तेरी ऐसी की तैसी। ओ फर्क भी नहीं पड़ा भाई गाड़ी को कोई, एक मिनट, 3 2 1 थक तेरी। नहीं 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 गाइस ये क्रशर नहीं है, क्रशर नहीं है। अच्छा ये लोडर है, ओके। तो हमें इससे ना पहले गाड़ी को उठाना है, इसके अंदर ये मैग्नेट लगा हुआ है, और हमें गाड़ी को उठा के शायद, हाँ ठीक है, वो जो आप पीछे एरिया देख पा रहे हो ना, हमें वहां ले जाना है। तो सबसे पहले हम लोग इसे थोड़ा सा नीचे लेकर चलते हैं। थोड़े से कंट्रोल्स इसके अजीब से, RF भाई एकदम, ये बटन्स मैं यूज भी नहीं करता गेम खेलते समय। हाँ तो भी फटाफट से मैंने इसे ऊपर उठा लिया है, इसको घुमा के लेके चलते हैं क्रशर में। ओ ओ ओ ओ, ओ एक मिनट, यहाँ से नहीं दूसरी साइड से जाएंगे। और क्रेन में तो मैं बैठा ही नहीं हूँ, इसे चला कौन रहा है? हेलो, मैं तो नीचे खड़ा था बस। अभी फिलहाल एक गाड़ी यहाँ पर आ चुकी है, मुझे पहले इसे थोड़ा सा ना ऊपर करना पड़ेगा, देन इसके बाद नीचे ले जाना है, थोड़ा सा ऊपर फिर नीचे। प्लीज चले जाइए यार, कोई ड्रामेबाजी नहीं चाहिए भाई, निशाना एकदम परफेक्ट है। ओके एक बार में गाड़ी आ चुकी है, अभी मैं इसका मैग्नेट ऑफ कर देता हूँ। ओके तो ये फायदा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट का। तो अभी फटाफट से हम लोग इसे घुमा के ना यहाँ से हटा देते हैं, और अभी मुझे जाना है इसे पूरी गाड़ी को क्रश करने के लिए। तो सबसे पहले मुझे इसका ऊपर वाला ये जो ढक्कन है ना, इसे बंद करना पड़ेगा। वैसे वो ढक्कन नहीं है, वो खतरनाक सा कवर है, और अब टाइम आ चुका है गाड़ी को क्रश करने का। यार इतनी ज़्यादा बढ़िया मसल कार थी, कितनी अजीब तरीके से कर करके आवाज़ आई है। चलो अभी फटाफट से बोल से पूरा क्रश कर देते हैं भाई। बहुत गंदा हाल हो गया होगा गाड़ी का, क्योंकि ये जो मशीन्स होती है ना, इसके अंदर पावर बहुत ज्यादा होती है भाई, पूरी डब्बा बन गई है गाड़ी। एक सेकंड, ओह भाई ये देखो गाइस गाड़ी किस हालत में गई थी, और यहाँ पे जाके क्या हो चुकी है, चारों तरफ से जो प्रेशर से दबाया है ना भाई, खतरनाक। इंजन इसीलिए बाहर निकाल लिया था भाई, क्योंकि इंजन को नहीं दबाना चाहिए भाई, वो महंगा बिक जाएगा। इसको भी हम लोग अटैच करते हैं, शायद से मुझे इसे अब दूसरे वाला ये जो एरिया है ना, इसके अंदर मुझे इसे डाल देना है। थोड़ा सा इसे ऊपर करना पड़ेगा, देन यहाँ पर घुमा के मुझे इसे भी अंदर डालना है। पहले इसको मैं करता हूँ नीचे, नहीं यार पहले ना इसे ऊपर ले जाना पड़ेगा थोड़ा सा। अभी इसे नीचे लाते हैं, छोड़ दूँ क्या यहीं से? मेरे हिसाब से छोड़ देना चाहिए भाई, गया नीचे। ओ भाई भाई भाई, भाई पैसों की बारिश हुई है भाई झटके से। तो हमें कुछ इसी तरीके से और गाड़ियां लेकर आनी है, अभी अपने पास एक ही गाड़ी थी, और काम तो हो गया ना, इस मशीन से बाहर निकलते हैं अभी फटाफट से। तो हाँ गाइस अभी कॉल भी आ चुका है। हाँ बोल। Flashing next to your dough? Huh? I'll give you a hint. It's in the top left corner. Okay, $92. Complete the order by turning on your tablet. Okay, press 1 to sell items. Okay guys, तो अभी ना जो जो हमें सामान मिला है हम लोग इसे ऑनलाइन बेच सकते हैं, ठीक है, देखते हैं कितने का बिकेगा। तो हमें जो अच्छा अभी मैं सीधा मतलब सम, अभी हमने उसे क्रश कर दिया, तो एल्युमिनियम जो है वो 1600 हमें उसके मिल जाएंगे, 400 मिल रहे हैं हमें कास्ट आयरन के, मतलब जितने भी टाइप का मेटल है ना उन सभी के हमें पैसे मिल गए हैं। वैसे प्लास्टिक भी था इसमें भाई, इस गाड़ी में प्लास्टिक कुछ ज़्यादा ही लगा हुआ था, बट ठीक है प्लास्टिक के ज़्यादा पैसे नहीं मिलते। और अभी गाइज हमें लोकेट अपग्रेड स्टेशन, ओके तो यहाँ पर अभी हमें सबसे पहले अपनी मशीन को ना अपग्रेड करना पड़ेगा। अभी यहाँ पर एक छोटी सी, वहाँ लिखा था ना स्मॉल क्रशर, उसे थोड़ा बड़े लेवल का बनाना है। तो यहाँ पर टोटल 4 टाइप के डिफरेंट अपग्रेड्स हैं, पहला है बैग एंड बियर का, दूसरा एक पिकअप कार का, तीसरा है एक टो ट्रक, एंड चौथा एक नॉर्मल ट्रक का। नॉर्मल ट्रक में हम लोग ढेर सारा सामान स्क्रैप आइटम भर के ला सकते हैं, टो ट्रक में गाड़ियाँ आ जाएंगी लोड करके। ये वाली कार तो मेरे हिसाब से छोटी रहेगी, इसमें ज़्यादा सामान आ नहीं पाएगा। और ये बैग तो ठीक है, बैग में मैं सामान भर लूँगा, अपने बियर का क्या हिसाब है? अपग्रेड बियर मेक्स स्पीड बूस्ट एंड लास्ट लॉन्गर, ओके तुम्हारी चलने की स्पीड बढ़ जाएगी। वैसे नहीं यार हम लोग सीधा ये वाला ट्रक लेते हैं, गाड़ियाँ लोड करवा के लाएंगे, और ये फ्री भी है, लेट्स गो। एक बार ही हमें फ्री मिल रहा है, मैं कैसे लूँ से? इसमें 2 गाड़ी का स्लोट है, और जो महंगे वाले ट्रक है, वैसे कितना भी महंगा ट्रक ले लो भाई, मैक्स टू मैक्स 2 गाड़ी का ही स्लोट है। चलो वैसे हमें यानी कि बहुत अच्छे लेवल का ट्रक मिल गया है, थोड़ी बहुत स्पीड कम होगी वो बात अलग है। अभी यहाँ पर हमें शायद से ट्रक को प्लेस करना है, तो इसे प्लेस करने के लिए मुझे प्रेस करना है R, देन ये वाला ट्रक, ओके यहाँ पर एक कार्ट प्लेस होगी। ओ ट्रक गाइस वहाँ पर शायद पीछे मेरे को मिल चुका है, ये कार्ट आ चुके। ओ मैं समझा, अगर मेरे को पैदल चलना है ना तो मैं इस कार्ट को यूँ घसीटता हुआ ले जाऊँगा भाई, इतना इतना टाइम नहीं है ये, इस तरीके से मैं इसे ले जाऊँ, भाड़ में निकल भाई,
मैं एक कार्ड को कल जला दूंगा ले जाके. कॉल आया. हेलो. इफ आई मे गिव यू अ पीस ऑफ एडवाइस, ट्राई टू स्टिक टू द बीटन पाथ्स, रोड्स, एलीवेज. रिमेंबर अबाउट साइनपोस्ट्स, दिस विल हेल्प यू फाइंड आउट वेयर यू आर एंड वेयर यू आर गोइंग. ओके. तो गाइस अभी फिलहाल हमें वही सीधी सी बात है, मैं भी यही सोच रहा था कि अभी ना फटाफट हम लोग यहां से बाहर निकलते हैं और जल्दी से ना चलकर देखते हैं कि आखिरकार अगर हमें कोई जंक यार्ड चलते हैं सीधा, वहां से कोई ना कोई हमें गाड़ी मिल जाएगी, उसे लेकर आते हैं और फटाफट से ना उसे ला के रिपेयर करते हैं. वैसे रिपेयर मेरे हिसाब से नहीं, उसका इंजन निकाल लेंगे, इंजन को रिपेयर करके बेचेंगे और जो गाड़ी है उसको क्रश करके बेचेंगे, उसमें ज्यादा फायदा है. मतलब टाइम भी बच जाएगा, पैसे का पैसा भी वसूल हो जाएगा. फिलहाल एक गाड़ी यहाँ पे सामने ही खड़ी हुई है और भाई साहब ये गाड़ी तो काफी ज्यादा बढ़िया लग रही है. एक मिनट रुक जाओ, ये कोई मसल कार है अपनी, मस्टैंग जैसी. यहाँ से पहले मैं अपने ट्रक से बाहर निकलता हूँ, चल कर देखते हैं भाई ये गाड़ी. वैसे गाड़ी यार बिल्कुल एकदम पुरानी तो लग भी नहीं रही, नई लग रही है, बट हाँ यार फिर भी इस गाड़ी के अंदर इसका इंजन भी है. और एक बारी मैं चेक कर लेता हूँ क्या क्या गाड़ी में इंपॉर्टेंट है. पीछे कुछ रखा है क्या गाड़ी के? वैसे एक काम करते हैं, इस पूरी की पूरी गाड़ी को ना हम लोग उठा के अपने ट्रक में भरते हैं. लेट्स गो भाई. एक गाड़ी घर के बगल में ही मिल गई. और ये जो आप लेफ्ट वाला एरिया देख पा रहे हो ना भाई, ये भी अपना पूरा का पूरा जंक यार्ड का एक हिस्सा है. मतलब सब कुछ अपना है यहाँ पे. वैसे गाड़ियाँ हमें ले लेके आनी है, इनको तोड़ के बेचना है भाई, ले जाके मार्केट में. गाड़ी को सबसे पहले मुझे लोड करवाना पड़ेगा. आई थिंक यहाँ से लोड होगी. ओके, तो इस व्हीकल को मुझे उठाना है. ये आ गई गाइस गाड़ी पीछे वाले एरिया में. ओके. हाँ मैं एक और गाड़ी ढूंढने के लिए जा ही रहा था. थैंक यू, एक मस्त एडवाइस दे रहा है लेकिन ये बंदा एकदम. यहाँ पर एक टैंक भी खड़ा हुआ है, ये टैंक उठा सकता हूँ मैं? वैसे बहुत ज्यादा वेट होता है, अपना ट्रक पिचक जाएगा जहाँ टैंक रख दिया तो वो पता नहीं उठेगा भी नहीं, बट जब भी उठेगा बाद में करेंगे. फिलहाल अभी एक लंबोर्गिनी या फिर बुगाटी ढूंढते हैं भाई पहले तो. ओके गाइस, अभी फिलहाल मैं अपने ट्रक को लेकर थोड़ा बहुत और आगे आ चुका हूँ. पीछे की तरफ में एक गाड़ी दिखी तो है बट मुझे वो उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही. वैसे उसका जो एक पुर्जा है खुला हुआ है भाई. यहाँ पर एक कार इधर और है, ये भी ठीक है बट उतनी ज़्यादा बढ़िया नहीं है जितनी मेरे को चाहिए भाई. कुछ एकदम एक सेकेंड. उस तरफ में गाइस एक मोटरसाइकिल मेरे को दिखी है. मेरे को ऐसा लग रहा है थोड़ा बहुत हार्ले डेविडसन का पुराना मॉडल है वो कोई. पीछे चल, अबे तेरी स्कूटर है भाई ये. एक सेकेंड, ये दोनों ना कंबाइन होके दिखे थे एक एंगल से और ऐसे लग रहा था कि कोई बहुत तगड़ी गाड़ी है, बट ये एक घटिया सी बाइक है. बाइक भी नहीं है यार, इसको क्या ये रिक्शा तोड़ के लगा दिया भाई आगे की तरफ. भाई घटिया है वो जो भी है भाई. ये तो कटर पड़ा हुआ है यार, काफी ज्यादा खतरनाक सा. लेकिन हम लोग ये एकदम ठीक है, इसे बेचने के लिए ले लेते हैं. इसको हम लोग ना लोहे के भाव बेच देंगे. बाकी यहाँ पर और क्या क्या कुछ पड़ा है क्या ढंग का आइटम जिसे मैं ले जाके रिपेयर करके बेच सकूँ? यहाँ पर काफी सारे स्क्रैप्स है, इसमें कुछ ढूंढता हूँ. ओके, ये एक बकेट आई है भाई, $30 की बिक जाएगी, इसको ले लेता हूँ. बेच देंगे $30 की. तो इस तरफ में कुछ और स्क्रैप्स रखे हुए हैं, इसको मैं खोल के देखता हूँ उसके अंदर क्या क्या मिलता है. फिलहाल अभी तक तो कुछ बढ़िया नहीं मिला था, बट फाइनली मुझे यहाँ पर दो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिली है. और ये है एक इंजन ब्लॉक, ये $1000 का बिक जाएगा अगर मैं इसे रेनोवेट कर देता हूँ तो. फटाफट से गाइस इसको मैं ले लेता हूँ, बट इस टाइम पे मेरे बैकपैक में ना बिल्कुल जगह नहीं है. तो ये छोटी सी चीज़ है, इसे फेंक दो और इसको उठाओ भाई. ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे भाई साहब. कसम से $1000 मिल जाएंगे भाई इसको रिपेयर करने की, जो कि यार बहुत ज़्यादा होते हैं. फिलहाल अभी यार देखो इधर कोई अच्छी गाड़ी मेरे को मिली नहीं, आगे का रास्ता बंद हो रखा है, शायद वो बाद में अनलॉक होगा. फटाफट हम लोग पीछे चलते हैं, वो जो येलो वाली कार थी ना उसी को मैं वहीं से उठा लूँगा. और भाई पीछे कोई आ मत जाना. तो गाइस देखो इस गाड़ी में यार कुछ भी इंजन वगैरह है नहीं, इसलिए मैंने इसे पीछे ही छोड़ दिया है. फटाफट से ना अपने ट्रक को आगे लेकर चलते हैं. यहाँ पर ना एक पुलिस वालों की भी गाड़ी खड़ी हुई है, मेरे हिसाब से ये ले. नहीं यार इसकी तो हालत सच्ची में और भी काफ़ी ज़्यादा बेकार है, उसको छोड़ो. यही वाली कार अच्छी लग रही है भाई जो सबसे पहले दिखी थी, मैं खाली पीली इतना ज़्यादा आगे चला गया. इस वाली गाड़ी को उठाते हैं और ये जो आप सामने एरिया देख पा रहे हो ना, यहीं पर लाकर हमें अपनी गाड़ी वाड़ी बेचनी है अभी. हाँ तो अभी फटाफट से हम लोग इसको सिलेक्ट करते हैं और इसको लोड करवा देते हैं अपने ट्रक में सीधा ऊपर वाली साइड पे. लेट्स गो. दोनों गाड़ियां एकदम मस्त लोड हो चुकी है. ओके, तू बोलते रह यार, मेरे को सब आता है, एकदम एक्सपर्ट है भाई इस काम में. तो लेट्स गो. फटाफट से गाइस अभी अपने ट्रक को लेकर चलते हैं हम लोग सीधा अपने जंक यार्ड में, देखते हैं इन गाड़ी से हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट सामान मिलता है. तो ओके गाइस अभी ना फिलहाल मैं अपनी दोनों गाड़ियां लेकर पहुंचने वाला हूँ सीधा अपने जंक यार्ड में. ओ, एक सेकंड, पहले थोड़ी सी ब्रेक मार लेते हैं. भाई कैसा सा रास्ता बना रखा है, इतना बढ़िया रास्ता चल रहा होता है फ्लाईओवर पे और झटके से ये पता नहीं क्या आ जाती है घास मिट्टी. यहाँ पे भी थोड़ा बहुत काम कर देते यार, मतलब 10-15 मिनट और लगते, एक बढ़िया रास्ता तो बन जाता अपने जंक यार्ड का. चलो कोई नहीं, पैसा वैसा आ गया, एकदम फुल लग्जरी जंक यार्ड बनेगा अपना. वैसे जंक यार्ड लग्जरी कैसा सा लगेगा यार, मतलब पुरानी थीम का ही अच्छा लगता है. फिलहाल दोनों गाड़ियां मैं लेकर आ चुका हूँ, फटाफट से इन दोनों गाड़ियों से देखता हूँ मैं कितना पैसा कमा पाता हूँ. अभी मेरे पास है
$3,593 और अगर अब मैं इन दोनों गाड़ियों को यहाँ पर मतलब कि क्रश करके बेचूंगा तो देखते हैं हमें कितना पैसा मिलता है। तो सबसे पहले मुझे दोनों गाड़ियों को ना यहाँ पे अनलोड करना पड़ेगा, वो टो ट्रक पे है, दोनों फटाफट से पहले यहाँ पर आ जाओ। और अभी इन गाड़ियों को मैं भेजता हूँ इंजन रिमूवल स्टेशन पे। तो एक गाड़ी मैंने भेज दी है, उस गाड़ी के अंदर तो देखो इंजन था, मैंने देख लिया था। फिलहाल अभी सबसे पहले ना इस वाले इंजन को यहाँ से अनलोड करते हैं, दूसरी वाली गाड़ी में तो शायद इंजन, ओ वाओ ये निकल गया। तो गाइस देखो अभी ना फिलहाल मेरे पास बस एक ही ऑप्शन है कि मैं इस इंजन को उठाऊं और अपने बैग में रख लेता हूँ। बाद भाई वैसे देखने में कितना भारी लग रहा है, और ये देखो भाई इतना ज्यादा यहाँ पर ऐसे लग रहा है ऐसे प्लास्टिक की बॉल नहीं आती थी जिससे हम लोग बचपन में खेलते थे, ये देखो भाई ये इंजन हो रहा है क्या हो रहा है। चलो कोई नहीं, फिलहाल जो फालतू का आइटम है ना ये फेंकता हूँ और मैं इस इंजन को उठा के अपने पास रख सकता हूँ ना। वैसे यार देखो वो जो मैं इंजन ब्लॉक लाया हूँ भाई वो इतना मतलब छोटा सा ओके $1,000 में बिक रहा है, और ये इतना ज़्यादा बड़ा इंजन है भाई साहब ये बिक रहा है सिर्फ और सिर्फ $760 में, वो भी रिपेयर होने के बाद। खैर छोड़ो कोई दिक्कत नहीं, चलता है इतना, 760 भी बहुत ज़्यादा होते हैं वैसे। फिलहाल अपनी गाड़ी को मैं यहाँ से वापस मंगवाता हूँ। अब फटाफट से ना इन दोनों गाड़ियों को मैं क्रश करने के लिए भेज देता हूँ। और कुछ इंपॉर्टेंट आइटम तो नहीं था ना इसमें, चेक कर लेता हूँ। ओके डिटेक्टर से मैंने देखा तो है, मुझे कोई भी इंपॉर्टेंट आइटम डिटेक्ट नहीं हुआ है। नहीं यार इसमें कुछ भी नहीं है, फटाफट लेट्स गो, देरी नहीं कोई। तो पीली वाली गाड़ी से हमें ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला है, इसलिए सबसे पहले मैं वही गाड़ी उठाऊंगा। तो मुझे अपने इस क्रेन को थोड़ा सा अंदर लेकर जाना है और आज ये पीली क्रेन पीली क्रशर को मतलब पीली गाड़ी को क्रश करने वाली है। लेट्स गो, इसको मैंने उठाया, अभी फटाफट से इसको मैं राइट साइड से घुमाता हुआ ले जाऊंगा। भाई इस मशीन को चलाना ना डिफिकल्ट तो नहीं है बट थोड़े बहुत कंट्रोल अजीब से ही है पूरा, क्योंकि हर डायरेक्शन में घूम जाता है। अब फटाफट से इसे लेकर जाते हैं, लेट्स गो, थोड़ा सा लेफ्ट थोड़ा सा ओ भाई 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 गाड़ी यहीं क्रश हो जाएगी बीच रास्ते में पूरी। ओके तो अभी फटाफट से हम लोग इसे नीचे रख देते हैं, मैग्नेट मैं अपना ऑफ कर देता हूँ और अपनी क्रेन को मैं यहाँ से बाहर निकालता हूँ। लेट्स गो, अब फटाफट से गाइस पूरी की पूरी गाड़ी गंदी तरह क्रश होने वाली है। आवाज सुनो कितनी ज्यादा बढ़िया सी आवाज आ रही है, पूरी निचोड़ देती है भाई ये मशीन गाड़ी को। ओके तो फटाफट से अब इस टूटे हुए पीस को हम लोग लेकर आते हैं, मींस टूटे हुए पीस को नहीं दबे हुए पीस को लेकर आते हैं। ये मैंने मैग्नेट से इसे करा कनेक्ट, लेट्स गो, इसको भी मुझे इसके अंदर ले जाके रखना है फटाफट से। 3, 2, 1 लेट्स गो, इसे कर देते हैं ड्रॉप और ये होगी पैसों की बारिश। तो ओके गाइस अभी मैं ये दूसरी गाड़ी भी लेकर आ चुका हूँ, इसको भी मैंने रख दिया है, लेट्स गो फटाफट से हम लोग इसको भी क्रश कर देते हैं भाई, खतरनाक सीन हो जाएगा। 3, 2, 1 लेट्स गो, ये मैंने फेंक दिया से नीचे। और अब ना गाइस हम लोग देखते हैं कि आखिरकार हमें इससे कितना पैसा टोटल मिलने वाला है। तो अभी मैं पहले बाहर निकलता हूँ अपनी क्रेन से। देखो मेरे पास $3,593 थे, अब ये जितना सामान है ना मुझे सारा का सारा बेचना है अपने टैब के थ्रू। ये मैंने कर लिया अपना टैब ओपन एंड यहाँ पर ओ भाई ये देखो $5,000 तो हमें इसी के मिल गए एल्युमिनियम के। भाई 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 कमाई तो अच्छी खासी हो जाएगी भाई, मतलब इतने कम टाइम में इतना ज्यादा पैसा हो जाता है क्या जंक यार्ड में भाई। ये सब छोड़ो जंक यार्ड का ही काम स्टार्ट करना पड़ेगा लग रहा है, बट हाँ ये गाड़ियां भी तो खरीद के लानी पड़ती है। $12,901 हमारे पास हो चुके हैं और अभी गाइस इस गाड़ी से जो इंजन निकला था वो भी मुझे रिपेयर करके बेचना है। और एक और चीज है जो मेरे को रिपेयर करके बेचनी है, टेक द इंजन फॉर रेनोवेशन। हाँ तो मैंने इंजन तो ले लिया ना, अच्छा पहले ये वाला इंजन रेनोवेट करना जो पहली गाड़ी का आया था, ठीक है तो मैं इसको उठा लेता हूँ। इसको भी ना हम लोग लेकर चलते हैं सीधा वहां पे, बट अभी मैं तेज नहीं भाग पाऊंगा, एक काम करता हूँ इसको मैं यहीं पे रखता हूँ। मेरे पास जो बैग में इंजन है ना इसको पहले मैं मतलब वो वाला इंजन अपने पास रखे रहने दे, जो ये जो कबाड़ लेकर आओ ना इसको फेंको भाई। तो ओके गाइस अभी ना फिलहाल देखो मेरे पास ना दो इंजन हो चुके हैं और मैं ये पैदल क्यों जा रहा हूँ, मेरे पास इतनी महंगी महंगी कार से मैं पैदल नहीं जाऊंगा। तो ओके गाइस अभी फटाफट से हम लोग बैठते हैं अपनी गाड़ी में, वैसे जितना मैं इधर आया हूँ ना उतनी देर में पैदल जाता तो मैं पहुंच जाता, बट कोई नहीं गाइस अभी फिलहाल हम लोग अपनी गाड़ी लेकर भी यहाँ पे पहुंच चुके हैं। अपनी गाड़ी को मैं अंदर ही ले जाके पार्क कर देता हूँ, इसमें भी थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन कर देंगे अगर टाइम रहा तो। फटाफट अभी हम लोग बाहर निकलते हैं गाड़ी से और अपने इंजन को करते हैं रिपेयर। तो रिपेयरिंग करने के लिए मुझे शायद से उसे यहाँ पे रखना है और यहाँ पर हर एक सामान है जो कि रिपेयर करने में यूज होने वाला है। कॉल आया, रिमेंबर दैट यू कैन ऑलवेज टर्न ऑन द रेडियो टू मेक दिस और एनी अदर एक्टिविटी मोर प्लेजेंट। तो गाइस ये कह रहा है कि अपना रेडियो वीडियो ऑन कर लो और फुल एकदम गाने सुनते हुए काम करो मौज मस्ती में। लेट्स प्ले, खतरनाक सा गाना चला दो। ओ भाई 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 मुझे लग रहा था गेम ऑन बजेगा बट यहाँ पर तो भाई बंद करो भाई बंद करो कॉपीराइट आ जाएगा। तो हाँ गाइस मुझे यहाँ पर सबसे पहले अपना इंजन ब्लॉक रखना है जो कि मैंने उससे निकाला था, तो उसको हम लोग यहाँ पर रख देते हैं। अब फटाफट से गाइस हमें इसको पूरा का पूरा ना रिपेयर करना है, एकदम रिन्यू कर देंगे इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले हमें चाहिए होगा ब्रश क्योंकि इसके ऊपर काफी ज्यादा डस्ट लगी हुई है, तो जितनी भी धूल मिट्टी है ये हमें ब्रश से ना झाड़ देनी है पहले सारे के सारे।
तो इस ब्रश को मैं यहाँ से उठाता हूँ और मैं पहले पता करता हूँ, वैसे पूरे में ही ब्रश करना पड़ेगा तो ये सारे एरिया। ओ भाई कितनी ज़्यादा मिट्टी थी, हल्का सा ब्रश मारते ही कलर ही चेंज हो गया भाई इंजन का। ये देखो इस साइड से देखो कैसा है, इस साइड ब्रश मारा कैसा ऑरेंज हो गया। तो यहाँ पर भी काफ़ी सारी धूल मिट्टी है, चमका दूंगा भाई जिसको एकदम ना नया करके बेचेंगे। बंदा जिसकी गाड़ी में लगेगा ना इंजन, बुगाटी सैंटो डीसी फेल हो जाएगी उसके आगे। तो ओके गाइस, अभी ना फिलहाल मैंने इस ब्रश के थ्रू इस इंजन की जितनी भी डस्ट थी ना वो तो ऑलमोस्ट सारी की सारी हटा दिया है, और अब मुझे लेकर आना है सैंड ब्लास्टर। शायद से जितनी भी मिट्टी इससे एकदम ही गले मिलकर चिपक रखी है ना, उसको हटाने के लिए चाहिए हमें सैंड ब्लास्टर। तो यही है सैंड ब्लास्टर, इसको हम लोग यहाँ से उठाते हैं और अभी मुझे इसे यहाँ पर एकदम मारना स्टार्ट करना है यहाँ से। एक सेकेंड भाई, ये पेंट कर रहा है या फिर मिट्टी हटा रहा है? भाई साहब ये तो काफी ज्यादा तगड़ी चीज है। ये देखो भाई ऑलमोस्ट सारा का सारा रस्ट जो है ना इसके ऊपर से हट रहा है भाई एक ही बार में। पूरी सिल्वर लुक आ गई भाई, एकदम सिल्वर का हो गया अब तो, पूरा चमक गया। लो भाई ये मारते ही पूरा इंजन एकदम नया हो जाएगा। वैसे सिर्फ बाहर बाहर से काम करना है, अंदर से कौन ठीक करेगा भाई इंजन? ऑलमोस्ट 96% मैंने इसे एकदम साफ कर दिया है। ये नीचे वाली साइड रह गई है, ओ पीछे वाली साइड भी तो पूरी की पूरी रह रही है, 96% कैसे हो गया? हाँ तो भी फटाफट से गाइस यहाँ पे भी हम लोग इसे पूरा क्लियर करते हैं। भाई पूरा चमक गया है, ओके पूरा एकदम मस्त हो चुका है। बट फिर भी मैं एक बार ही देख लेता हूँ कोई साइड रह तो नहीं रही ना। ओके ऑलमोस्ट सारा का सारा पूरा ही क्लियर हो चुका है वैसे। और अभी मुझे चाहिए पेंट स्प्रेयर, तो सामने स्प्रे पड़ा हुआ है, ये स्प्रे पेंट है, ये यही चाहिए कि कुछ और चाहिए? पेंट स्प्रेयर चाहिए वैसे हमें, वो स्प्रे पेंट अलग। हाँ तो ये है पेंट स्प्रेयर, वो अलग चीज़ थी। तो भी फटाफट से हमें इसके ऊपर पेंट कर देना भाई, कितना ज़्यादा एकदम नया हो गया सीधा भाई। इस बात के तो 1,000 क्या $2,000 हमें मिलने चाहिए। अबे ये पेंट कर रहा है या फिर क्या कर रहा है, गंदा कर दिया इसने तो उल्टा। कितना घटिया कलर का पेंट है यार, कुछ तो ब्लैक होता या फिर वाइट ही होता, ऑरेंज होता, ये क्या कर दिया यार। वैसे गाइस एक सेकंड आप लोग ध्यान से देखो, ये पेंट ना बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसमें पूरा रिफ्लेक्शन नज़र आ रहा है, ये नीचे कारपेट का रिफ्लेक्शन जा रहा है जो ब्लैक ब्लैक हमें दिख रहा है, मतलब पूरी मिरर वाली लुक आ जाएगी अभी। तो गाइस अभी ना फिलहाल मैंने इसे ऑलमोस्ट पूरा का पूरा पेंट कर दिया है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि कौन सी जगह रह गई है, मैं यहाँ से देखता हूँ हिंट में। ओके ये 2-3 पार्ट्स अभी रह गए थे, इसको भी मैंने एकदम मस्त स्प्रे कर दिया। इस साइड कुछ रह रहा है, इस साइड तो सब डन हो गया। ओके फ्रंट साइड रह रही थी और लेट्स गो, ये भी कंप्लीट हो चुके हैं। तो यहाँ पर किसी बंदे का कॉल आ रहा है, हेलो। अच्छा ये कोई आइटम दे रहा है शायद से, GLP एक्सप्रेस से इसने भिजवा दिया है। आइटम है क्या? V6 इंजन। अच्छा ये जो हमने इंजन बनाया ना ये इस मोटे ने खरीद लिया है भाई, और इसने हमें पैसे दिए हैं। ओल्ड प्राइस $740 था और अभी इसने हमें दिए हैं $1,416। भाई कसम से मतलब इंजन को जितने बढ़िया तरीके से बनाओगे उतने ज़्यादा पैसे मिलेंगे, बहुत सही भाई। अभी यहाँ पर एक और, यहाँ क्या पड़ा हुआ है कुछ? ओ भाई साहब हमारे शॉप पे बंदे सामान छोड़ के गए हैं कि इसे नया कर दो, और ये शायद से कोई वुडन टेबल है, बेडसाइड टेबल है। $3 मिल रहे हैं इसके रेनोवेशन के, सिर्फ और सिर्फ $3। इससे बढ़िया मैं अपना दूसरा इंजन ना रेनोवेट कर लूँ भाई, उसके मेरे को $1,000 मिल जाएंगे। बट कोई नहीं यार, अभी हम लोग अपनी शॉप पर काम कर रहे हैं तो बढ़िया ही है। और यार ये देखो वुडन का है बट कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और अभी हम लोग इसे और भी ज़्यादा अच्छा करने वाले हैं। इसको ठीक करने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा क्लॉथ और वाटर। ओके ये पड़ा, तो यहाँ पर हमें ये सबसे पहले उठाना पड़ेगा। और अभी इसके ऊपर जितनी मिट्टी एकदम चिपकी हुई है ना मेरे को सारी हटानी है भाई एकदम मस्त तरीके से। ओ भाई कितना अच्छा लग रहा है। तो गाइस देखो अभी ना फिलहाल मैंने टॉप साइड और बॉटम बैक साइड साफ कर दिया है, ये दो साइड और रह गई हैं। काश यार इतने दिल से सफाई मैं डेली अपने घर में भी करूँ, पूरा घर चमकता रहेगा यार। वैसे आप में से कौन कौन अपने घर में सफाई करता है कॉमेंट्स में जाके मेरे को जरूर बताना। और ये भी देखो भाई किस तरीके से साफ होता जा रहा है, लेफ्ट वाली साइड देखो राइट वाली साइड देखो। तो ओके गाइस अभी ना फिलहाल मैंने बेड साइड टेबल पूरा का पूरा चमका के साफ कर दिया है कपड़े से। बट अभी इसके बाद हमें चाहिए होगा ग्राइंडर। ओके उससे हम लोग क्या करेंगे कि गाइस इसकी जो ऊपर की लकड़ी है ना जहां जहां पर खराब है घिस के हटाना पड़ेगा। तो यहां से मैं इसे करना स्टार्ट करता हूं। अबे यार कपड़ा मारने की क्या जरूरत थी जब पूरी लकड़ी ही वहां से काटनी थी, वैसे क्या पता डस्ट हटानी पड़ती हो वो काम करने के लिए। चलो कोई नहीं, वैसे भी साफ चीज पे काम करेंगे तो उतनी ज्यादा बढ़िया फिनिशिंग आएगी। बट फटाफट से हम लोग अभी इसे करते हैं, अब तो भाई टेबल पूरा नया बन के जाएगा यार। ओके बैक साइड भी पूरी एकदम चिकनी कर दी हमने, लेट्स गो। कुछ कुछ रह रहा था वो पार्ट भी एकदम हो चुका है। अब फटाफट से हम लोग फ्रंट साइड पे भी इसके थ्रू पूरी की पूरी लकड़ी घिस देते हैं। भाई कितनी ज्यादा सफाई से काम हो रहा है, थोड़ा तमीज में करते हैं यार, जल्दी होगा, लेट्स गो। भाई साहब जो बंदा हमें ये टेबल रेनोवेट करने के लिए दे के गया है ना वो भी हैरान हो जाएगा कि भाई हमने इस टेबल का क्या से क्या बना डाला, मतलब कि ये देखो भाई
पूरी की पूरी लुक चेंज हो चुकी है और अभी हमें इसके ऊपर स्प्रे करना है ताकि ये पहले नए जैसा हो जाए। मतलब यार अभी तो पूरी लकड़ी हमने हटा दी ना, दोबारा से पेंट करते हैं। ब्लैक पेंट है अपने हाथ में। सबसे पहले हम लोग अपने चैनल का लोगो बनाएंगे यहाँ पर। देखते हैं अपना स्प्रे एकदम बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। वैसे हाँ, वैसे काम कर रहा है पर लोगो नहीं बन पाएगा भाई, क्योंकि इसके लिए थोड़ी ज़्यादा जगह चाहिए। फिलहाल अभी हम लोग जल्दी से इसको एकदम मस्त, भाई क्या ही बढ़िया स्प्रे है। तो गाइस अभी ना फिलहाल ये बस यहाँ पे ये लास्ट राइड रह गई है, फटाफट से हम लोग इसे भी कंप्लीट करते हैं। वैसे भी ना मेरे को एक चीज़ समझ नहीं आई कि इस टेबल को हमने बाहर से तो एकदम नए जैसा कर दिया, बट जब वो बंदा इस टेबल को घर पे ले जाके देखेगा, मतलब अंदर से तो यार वैसे का वैसा ही है ना। चलो कोई नहीं, फिलहाल अभी अपना काम पूरा हो चुका है और अभी मुझे इस बंदे को वापस से टेबल भी बेचना है। सब कुछ खरीदने का ठेका इसी ने ले रखा है क्या भाई? ओके, तो फिलहाल अभी वो भी बिक चुका है और अपने पास हो चुके हैं $14,756। ओके, लुक अप स्मॉल मैप इन योर जंक मैन इंटरफेस टू चेक द लोकेशन फॉर दिस जॉब यू हैव। ओके ओके, अभी हम लोग ये काम करने के लिए पूरे रेडी हो चुके हैं। हमें मतलब कि ये भी हम काम ही कर रहे थे, इससे भी हमें ढेर सारा पैसा मिल चुका है, बट अपनी जॉब पूरी कंप्लीट नहीं हुई। ये पैसा शायद से बस दिख रहा है, हम लोग इससे कुछ भी शॉपिंग नहीं कर सकते। जैसे हमारे 27,000 कंप्लीट हो जाएंगे ना, ये जो 14,000 आ रहे ऊपर, उसके बाद ही हमें वो पैसा पूरा मिलेगा। उसके बाद हम लोग तगड़ी तगड़ी गाड़ी, ट्रक्स, बैग वगैरह सब कुछ ले पाएंगे। मींस काम कंप्लीट होने पे ही हमें पूरी की पूरी सैलरी मिलने वाली है। तो भाई बहुत कुछ करेंगे भाई इसके अंदर, तो भी गाड़ियां लेकर आएंगे ढंग की, ढूंढ ढूंढ के लाऊंगा। फिलहाल आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से इस वाली वीडियो को जाके जल्दी से लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। और हाँ गाइस, क्रैश बैंडिकूट ऑन द रन का डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से जाके उसको डाउनलोड कर लो। season 2 आया, बहुत ज्यादा मजेदार है, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। तो चलो गाइस आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, मिल देंगे अगली वीडियो में। गुड बाय।